जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का पालन करें। ये पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, 16 अक्टूबर से चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने के साथ ही नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला के सभी 10 उपमंडलों में 23 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे, जबकि 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 26 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 9 नवंबर को जिला के 1,091 मतदान केंद्रों में मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 37,04,596 पुरुष तथा 37,02,263 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिले के 1,091 मतदान केंद्रों में 19 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, 137 संवेदनशील और 935 सामान्य मतदान केंद्र हैं। मंडी जिला में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने में 5,500 कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि 7,500 कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की गई है। एक मतदान केंद्र पर 5 कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। ये सारी प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से होगी, किसी को भी पता नहीं होगा कि किसकी ड्यूटी कहां लगने वाली है। शहरी क्षेत्र के 20 मतदान केंद्रों का संचालन महिला कर्मियों के हाथ रहेगा, यहां तक कि मतदान केंद्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही होगी। उपायुक्त ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार पर भी नजर रखी जाएगी, यहां तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने वाले प्रत्याशियों के खाते में खर्चा डाला जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों को 108 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 108 सेक्टर मैजिस्ट्रेट, 31 सेक्टर मैजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी तैनात होंगे। मतदाता को अपने वोट का पता चल सके, इसके लिए हर मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन जोड़ी जाएगी। इसके अलावा ओल्ड एज होम भगरोट्टी में विशेष पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 175 व्हीलचेयर की व्यवस्था के साथ साथ मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर 100% मतदान करें। वो ये है इस इलेक्शन की कि ईवीएम तो हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार वीवीपैट मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन जो है एक बेसिकली ये इसको या तो आप प्रिंटर कह दें या मैं कॉमन पार्लेस में लोगों की भाषा में कहता हूं कि ये एक बॉक्स है। इलेक्शन प्रोसेस सेम है, कोई चेंज नहीं है, जो पहले भी होता रहा है कि आपने जो है वो वोट वैसे डालना है जैसे पिछले इलेक्शन में भी होता रहा है। इस बार ये है कि ये प्रिंटर या बॉक्स आपके बैलेट यूनिट के साथ रखा गया है। जब आप बैलेट अपना कास्ट करते हैं उसमें एक 2.5 इंच के शीशे का स्लॉट है, उस स्लॉट में एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची 7 सेकंड तक उस स्लॉट के ऊपर रहती है। उसमें जिस कैंडिडेट को आपने वोट किया है, जिसके अगेंस्ट आपने बटन दबाया है, वो सीरियल नंबर है 1 to 16 होते हैं उसमें एक बैलेट यूनिट में। तो अगर वो 16 कैंडिडेट्स हैं, 16 कैंडिडेट में अगर मैंने 15 कैंडिडेट को वोट किया है तो 15 नंबर आ जाएगा वहां पर सीरियल नंबर, उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और उसका जो है चुनाव चिन्ह उसके ऊपर आ जाएगा। उससे हमें यह सर्टिफाई हो जाएगा, वोटर को यह सर्टिफाई हो जाएगा कि मैंने जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट को अपना वोट दिया है वो वोट मेरा जो है उसी को क्या है। सो दिस इज जस्ट टू मेक दी सिस्टम एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। डेमोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको जो है हमें पर्व की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। हरेक व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकल के 9 नवम्बर को वोट करना चाहिए, और क्योंकि 9 नवंबर को उम्मीद है कि मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज्यादा सर्दी भी होने वाली नहीं है एटलीस्ट हमारे जिले में। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हरेक व्यक्ति घर से निकले और हरेक व्यक्ति अपना वोट कास्ट करे, अपनी चॉइस का कैंडिडेट जो है वो हमारे विधानसभा में भेजे और देन प्राउड से कहे कि ये मेरी गवर्नमेंट है। सो यू कैन ओनली से वंस यू कास्ट योर वोट। साथ ही मैं आपके माध्यम से सर्विस इलेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑल ऑफ देम शुड मेक श्योर दैट दे हैव कास्टेड देयर वोट, क्योंकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जहां तक एक मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक हमारे यहां पे ओल्ड एज होम है भंगरोटू में, यहां पे केवल 19-20 इनमेट्स हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
दे हैव गॉन टू दैट एक्सटेंड के एक वहां पे सेपरेट ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन उनके लिए बनाया गया है ताकि उनको 50 मीटर दूर था वहां पोलिंग स्टेशन, 50 मीटर दूर भी ना जाना पड़े, वहीं पे वो अपना वोट कास्ट करें। तो वो भी हमने जो है ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन उनके लिए बना दिया है। साथ ही मैं आजकल एक फंक्शन में डेंटल कॉलेज में गया हुआ था, तो डेंटल कॉलेज के बच्चों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी व्हाइट कोट सेरेमनी थी, दे गॉट देयर व्हाइट कोट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई सेड कि तुमने व्हाइट कोट जो ये पहना है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शन टाइम। क्या आप वॉलंटियर करें जाके, कहीं बीमार लोग हैं, कोई वृद्ध लोग हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, उनको आप मदद करें, उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाएं और वो आप अपना वोट कास्ट करने में जो है वो संभव हो सके, फिर आप उनको वापस भी छोड़िएगा। इसके अलावा कुछ एक हम मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर गए हैं जहां पे थोड़ी सी फैसिलिटी होती है, कोई एनएसएस के एनसीसी के बच्चे आ गए, जो बड़े वृद्ध कोई आ जाते हैं तो उनको नमस्कार करें, थोड़ा रिसीव करें, यू नो इट इज जस्ट टू मेक पीपल नॉट ओनली फील इम्पॉर्टेंट कि भी आप वोट देने आए, बट लेट देम फील कि यार आज वाकई बड़ा कोई स्पेशल दिन है जो हमारी इतनी खातिरदारी हो रही है, आज तक तो किसी ने मुझे नमस्ते की नहीं, आज बड़े बंदे खड़े किए हैं। तो दैट इज द आइडिया टू मेक एवरीबडी इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई थिंक। शुक्रिया सर, लार्ज अमाउंट ऑफ